गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता माता रानी के दोस्त आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों मैं वही पुल है जो वो पुल जो ब्लॉक बनाया था, तो देखिए दोस्तों दूर से कितना भव लगता है। भी भव है, ये हमारे गांव के कांटेक्ट करता है एक दूसरे गांव से, ये लड़गामा आ गई के बीच में थे। देखिए दोस्तों इसका काम पूरा हो चुका, पुल का काम पूरा हो चुका है, पर रोड का जो ये साइड से और आगे से देख रहे हैं ना, आगे से मट्टीकरण होना बाकी है। तो दोस्तों उसमें तो आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिए, तो दोस्तों आप लोग उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिएगा। तो दोस्तों देखिए कितना भव है और मैं ऊपर से, तो दोस्तों इधर से मैं चढ़ के देखता हूँ ऊपर रोड पे पुल पे, क्योंकि ऊँचा है, पत्थर पत्थर सब डाल दिए हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे पल। देखिए दोस्तों कितना चढ़ानी है चढ़ने में। तो फाइनली दोस्तों मैं रोड पे खेत से मतलब इधर से आया हूँ, तो इधर मैं पुल की रोड पे मैं चढ़ गया हूँ, मैं पुल की ओर बढ़ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों नमस्कार दोस्तों, वही है पुल जिस पे मैं वीडियो बनाया था, तो सोचा कि बीच नीचे से बना दूँ। नीचे से देखिए दोस्तों ऐसा सीन है और दोनों साइड तालाब है, तो बीच का ही सीन है, क्योंकि रोड तो बीच से ही गुजरा है ना, दोनों साइड खेत था दोस्तों, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट पुल बनाया है। तो अभी निर्माण पुल है, तो फिर मट्टीकरण और कुछ पुल का निर्माणाधीन भी है। तो देखिए दोस्तों नमस्कार, फिर आज मैं आप लोग पुल पे मैं आ गया हूँ। मैं सोचता हूँ खेत से वीडियो लूँ, तो आप लोग देखिए कि नीचे से कितना ये पुल मतलब कितना भव्य कितना सुंदर लगता है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि नीचे से है भी बहुत नीचे से क्या दूर दूर से अभी हम लोग देखते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है देखने में लगता है। तो आप लोग जरूर देखिएगा तो आप लोग को, सरसों नहीं राई है, और जो काला वाला राई होता है वो है, तो वही काला वाला राई है दोस्तों। तो फल पकड़ हो गया, तो फल तो देखिए मैं अपना गेहूँ के खेत पे आ गया। इसका वीडियो मैं बनाया था, आज सोच रहा हूँ कि आज समय अच्छा है, मौसम अच्छा है ना, धूप आ गया है, तो ठंडी से मुझे दोस्तों थोड़ा परेशानी होती है, ठंडी मुझे थोड़ा जल्दी ठंडा लगने लगता है, इसके लिए मैं कहीं निकलता नहीं था बाहर से। तो आज दोस्तों आज धूप है, हवा भी कम चल रही है, तो मैं सोचता हूँ कि आज मैं इधर पापा किए हैं, पापा कितने दिन बोले कि वो गेहूँ खेत सब में भी थोड़ा जाओ घूम के आ जाओ, क्योंकि इधर नील गाय उलगाए जो घास उस काट लेते हैं, तो गाँव के आदमी लोग थोड़ा बदमाशी कर देते हैं खेत पे, तो वो भी देखना है। तो जाऊंगा तो उसमें भी यही ब्लॉग एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो सोचा कि आज आओ दोस्तों, ब्लॉग भी बहुत दिन से नहीं बनाया, तो सोचा बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो तब आप लोग से मैं इतना ही भी बता देता हूँ। जय मिथिला, जय हिंद।